क्या लगता है तुम अपने घर चली भी जाती तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें कबूल कर लेते? इसी डर की वजह से तो दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई घर। कुछ था वो अबीर के साथ, लेकिन उसको क्या मालूम था कि इतनी मासूम नजर आने वाली लड़की इतनी चालाक इतनी मकार हो। बल्कि आपको तो मेरे लिए खुश होना चाहिए कि उस घटिया लड़की से मेरी जान छुपी। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, नहीं छोड़ सकता वो मेरी बच्ची को। ये क्या कर रहे हो जुनैद? कितनी जोर से धक्का दिया तुमने अबीर को। आए दिन नया गुल खिलाती है, रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। अबीर? नहीं। जी आपकी ये अबीर। मैं कानों से सुनकर आ रहा हूं। मैं मार दिया इसने मेरे बच्चे को। क्या जुनैद क्या कह रहे हो, ये ऐसा कैसे कर सकती है? अम्मी इसने बच्चे को मार दिया। तो था यार तुम्हारी बात पर, लेकिन इसको देख के पता नहीं क्यों मैं उलझन में आ जाता था। लेकिन अब सब हकीकत सामने आ गई है। जानते हो जुनैद, उस लड़के को मैंने पहले भी देखा है। कहां? घर के बाहर। याला, ये कहां फंस गए हम लोग? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई मुझे पलट कर जाना चाहिए था, इसको भी मार देता और उसको भी। बच्चा मारा तुमने, कह दो कि ये भी झूठ है। मेरे बच्चे को गिराने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। मेरे बच्चे का पिता ये छोड़ो, मैं इसको मार दूंगा, इसको मैं कह रहा हूं छोड़ो। मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? भाभी जिम्मेदार है हमारे बच्चे की मौत की। जुनैद चुने, भाभी नहीं चाहती थी कि आपका और मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। बस करो अभी, बस अब बहुत हो गया। इसी वक्त तफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे तमाशा, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मुझको तू बर्बाद करके पारसा बन जाएगा। हेलो। क्या हुआ जुनैद, तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों हो रही है? वही जो इतने एक दिन होना ही था। क्या मतलब? मैंने अबीर को तलाक दे दी है। ओह माय गॉड, उस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी थी। मेरे पेट पीछे वो सब कुछ करती रही जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पूरा किया उसने मेरे साथ, बहुत टूट गया यार, बहुत टूट गया। ओके रिलैक्स, हौसला रखो जुनैद प्लीज। इस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी है, आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सच कहूं तो मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था,
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम बहुत परेशान हो। एनी, प्लीज मना मत करना। इज इट पॉसिबल कि हम अभी आज मिल सकते हैं? मुझे बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है, दैट्स इट। प्लीज डोंट से नो, प्लीज। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ कि तुम कहाँ हो, ओके? कैसी औरत है आप? अपने बदले की आग और जिद की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजाड़ के रख दिया। जुनैद के दिल में मेरे लिए शक पैदा करके उसे मेरे खिलाफ कर दिया। जानती हैं, आपकी बातों में आके आज जुनैद ने मुझे तलाक दे दिया। चची ने वही कहा जो हकीकत है, और जुनैद वो तुम्हें रखे या धुतकारे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तुम जाओ यहां से। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ना आप सुकून में रहेंगी और ना ही आपके बेटे की रूह को चैन आएगा। जहन्नुम की आग में जलेगा हमेशा। जहन्नुम की आग में तो तुम जलोगे। तुम्हारे धोखे की वजह से मेरे बच्चे ने जो कदम उठाया ना, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जहन्नुम की आग में तुम जलोगी। कितनी पत्थर दिल औरत हो तुम, मुझे तलाक दिलवा के अब और दुआ दे रही हो? मुझे नहीं जाऊंगी मैं। अगर मोहसिन को मेरी वजह से खुदकुशी की, खोलो दरवाजा, खोलो। तुम दोनों का चैन भी बर्बाद करके रहोगी। खोलो इसको। चलो यहाँ से। अगर मोहसिन के खुदकुशी करने की वजह मैं हूँ तो इस औरत का गला भी मैं दबाऊंगी। खोलो इसे, खोलो। अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो किसी भी बात की फिक्र करने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस घर को तुम अपना ही घर समझो। अच्छा बताओ, क्या आप खाओ पियोगी? कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगी? मैं मानता हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ गुजरा है उसके बाद ना तो तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास, लेकिन जो कुछ हो गया उसे पलटाया तो नहीं जा सकता ना वीर। अकलमंदी का तकाजा यही है कि जो कुछ हुआ उसे भूल कर तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तुम बैठो, बैठो, रिलैक्स करो तुम, मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मुकर गई ना आप? झूठ बोला सबके सामने, मुझे जानबूझ कर धक्का दिया ताकि तुम्हारे लाड नखरे उठाए जाएं, सिर्फ तुम्हारी बच्चे की अहमियत हो। धोखा दिया तुमने मुझे। किस वक्त आए थे ये लोग, मैंने क्यों नहीं देखा? लापरवाही करके कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अगर पता चल जाता तो वहीं कुछ छुप जाती, ये सब ना होता जो हो चुका है। लेकिन जो होना था हो चुका। जुनैद को बच्चे के खत्म होने का पता चला तब भी इसने यही करना था। खैर, हिसाब तो पूरा करूंगी, ना जुनैद को छोड़ूंगी और ना ही इसकी लाड की मक्कार भाभी को। तुम्हारे साथ भी वही होगा नाजिश, ये मकाफाते अमल है जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम भी अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख सकोगी, बस इंतजार कर लो थोड़ा सा। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।